लेट्स डू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ऑफ एक्साइज सी दैट इज कॉर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इज इफ़ द पॉइंट पी क्यू आर आर कोलिनियर एंड ए प्लस बी इक्वल्स टू वन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वो कह रहा है पी और क्यू और आर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो और ए प्लस बी हमारा वन है तो हमें ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है राइट तो हम अपने पी क्यू आर लिख लेते हैं पी पॉइंट है हमारा माइनस थ्री एंड नाइन माइनस थ्री एंड नाइन क्यू पॉइंट है हमारा ए एंड बी और आर पॉइंट है हमारा फोर एंड माइनस फाइव फोर एंड माइनस फाइव और हमें दे रखा है ए प्लस बी इक्वल टू वन है तो कोलिनियर पॉइंट के केस में क्या होता था कि हमारा एरिया जो होता था ट्राइंगल का ट्राइंगल पी क्यू आर का वो ज़ीरो होता था राइट right? अब एरिया क्या होता है दैट इज वन अपॉन टू इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू इक्वल्स टू जीरो हो गया राइट right? अब x1 वन वन क्या होते हैं देखिए यहाँ साइड में लिख रही हूँ x1 वन वन है हमारे P के कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस थ्री वाई वन है नाइन x2 टू टू है Q के कोऑर्डिनेट्स दैट इज ए y2 टू है हमारा बी और x3 थ्री थ्री है हमारे R के कोऑर्डिनेट्स दैट इज फोर एंड y3 थ्री है माइनस फाइव अब वैल्यूज पुट कर देते हैं तो यह आया x1 है हमारा माइनस थ्री और वाई टू है हमारा b माइनस वाई थ्री है हमारा माइनस फाइव प्लस एक्स टू है हमारा a वाई थ्री है हमारा माइनस फाइव माइनस वाई वन है नाइन प्लस एक्स थ्री है हमारा फोर वाई वन है नाइन माइनस वाई टू है b इक्वल्स टू ज़ीरो अब ये देखिए ये टू उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ज़ीरो ही आएगा और वन की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगी तो यही पूरा ब्रैकेट आएगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं है अब माइनस थ्री एज इट इज माइनस थ्री इन टू बी माइनस माइनस प्लस फाइव तो बी प्लस फाइव प्लस ए आप देखिए माइनस का फाइव माइनस का नाइन तो दोनों आपस में प्लस हो गए साइन माइनस का लग गया प्लस फोर नाइन माइनस बी इक्वल्स टू जीरो इंटू टू एस जीरो राइट अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं तो ये आया माइनस थ्री बी प्लस माइनस माइनस फाइव थ्री ज फिफ्टीन प्लस माइनस माइनस फोर्टीन ए प्लस फोर नाइन ज थर्टी सिक्स माइनस फोर बी थर्टी सिक्स माइनस फोर बी इक्वल्स टू ज़ीरो अब ए और बी की वैल्यूज सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया माइनस फोर्टीन है अब ये देखिए ए बी की वैल्यू माइनस की हैं दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी और साइन माइनस का लग जाएगा प्लस का थर्टी सिक्स है माइनस का फिफ्टीन है तो आपस में सब हो गई तो ये आ गया ट्वेंटी वन इक्वल्स टू ज़ीरो अब हमें दे रखा था ए प्लस बी इक्वल्स टू वन अगर मैं ए की वैल्यू निकाल लेती हूँ तो कितनी आ गई वन माइनस बी अब हमने यहाँ पुट कर दी पुटिंग एक्वल्स टू वन माइनस बी इन अबव इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में हमने ए की वैल्यू वन माइनस बी रख दी तो कितना आ गया माइनस फोर्टीन इंटू वन माइनस बी माइनस सेवन बी प्लस ट्वेंटी वन इक्वल्स टू जीरो हो गया अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये देखिए माइनस का फोर्टीन माइनस माइनस प्लस फोर्टीन बी तो देखिए यहाँ लिख रही हूँ माइनस का फोर्टीन प्लस फोर्टीन बी आगे देखिए ये कितना आ गया माइनस सेवन बी प्लस ट्वेंटी वन माइनस सेवन बी प्लस ट्वेंटी वन इक्वल्स टू जीरो अब देखिए कितना आएगा बी फोर्टीन बी प्लस का है और 7b माइनस का है तो सबट्रैक्ट हो गया आपस में साइन बड़े वाले का लग गया इसी तरीके से 21 प्लस का है 14 माइनस का है तो सबट्रैक्ट हो गया साइन बड़े वाले का लग गया इक्वल्स टू जीरो तो 7b कितना आ गया माइनस -7 हो गया उधर जाके b की वैल्यू कितनी आ गई -7/7 दैट इज -1 अब हमने a की वैल्यू को 1 b माना था तो ये कितना आ गया वन माइनस बी की जगह माइनस वन रख दिया तो ये आ गया वन माइनस माइनस प्लस वन तो ए की वैल्यू कितनी आ गई टू तो हमें पता चल गया ए की वैल्यू है टू और बी की वैल्यू है माइनस वन इज द आंसर